सीनियर सहाफी अम्मार मसूद का कहना है कि 9 मई के बाद मुल्क की सियासत बदल गई है। इमरान खान का मन घड़त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां धड़ाम से गिर गया है। जो कुछ इस तारीख को हुआ अब इसका दिफा करने को कोई तैयार नहीं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हों, कायदीन हों या सहूलतकार हों। खान से वो संगीन गलती हो गई जिस पर हर कोई तनकीद कर रहा है। अवाम की वो तादाद जो कभी इमरान खान को अपना हीरो मानती थी, इसने 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान को एक विलन का दर्जा दे दिया है। एक ऐसा विलन जिसका मकसद सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करना है बल्कि इस रियासत को नुकसान पहुंचाना भी है। इमरान खान की इस संगीन गलती के बाद मुल्क के चारों जानिब से वो अवामी रद्देमल सामने आया जिसका इससे पेशतर कभी पीटीआई को सामना नहीं करना पड़ा था। अपने ताजा सियासी तजिये में अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि अब सूरत हाल यह है, जो पीटीआई के गुण गाते थे वही इस पर तनकीद कर रहे हैं, जो खान की शान में भी मिलाते थे वही इसकी जहरीली सियासत पर उंगलियां उठा रहे हैं। इस सारी तब्दीली का सबब हमारी तारीख का वो स्याह दिन है जब शुहदा की तस्वीर को नजरे आतिश किया गया, कौमी यादगारों को पांव तले रौंदा गया, फौज की तनसीबात पर हमला किया गया। अम्मार मसूद के बकौल ये हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे एक बस की मनसूबाबंदी की गई थी। कारकुनों की जहन साजी इस तरह की गई थी कि आम तनसीबात पर हमला करें, आम शाहराहों को बंद करें, मासूम अवाम की गाड़ियों को तोड़ फोड़ दें, पाक फौज के सिपाहियों पर पत्थर फेंकें, शुजात के निशानों और अलामतों को आग लगा दें। इमरान खान ने यह मंसूबा बहुत कामयाबी से मुकम्मल किया और अपने तई वो इस साजिश में कामयाब भी हो गए। लेकिन इन वाकयात को देखने के बाद अवाम की तरफ से जिस रद्द अमल का सामना पीटीआई को करना पड़ा वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान समझ रहे थे कि इनके बलवाइयों की इन हरकतों पर अवाम की जानिब से उनको दाद तहसीन मिलेगी, उनकी बहादुरी के कसीदे पढ़े जाएंगे और उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम का इस्तारा समझा जाएगा। लेकिन अवामी रद्दे अमल इससे बिल्कुल बरक्स था। अवाम ने मजमूई तौर पर इस तर्ज सियासत को रद्द किया और इमरान खान को एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बजाय एंटी स्टेट का दर्जा दे दिया। पीटीआई इसके लिए तैयार नहीं थी लेकिन इन्हीं के शातिर जहनों ने इस मौके पर अपनी तोपों का रुख फौज की मौजूदा क्यादत की तरफ मोड़ दिया और अपनी कोताहियों का दोष फौज को देना शुरू कर दिया। इमरान खान के हवारियों की हमेशा से आदत रही है कि वो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते और इल्जाम को ही दलील मानते हैं। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है। इस खास नुक्ते नजर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की भौंडी कोशिश है। अम्मार मसूद के बकौल पीटीआई के जो लीडर भी पार्टी छोड़ रहे हैं इसकी असल वजह ये नहीं कि इन्हें कहीं से नादीदा फूल आ रहे हैं बल्कि इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कोई भी मुहिब वतन शख्स 9 मई के वाकयात का दिफा नहीं कर सकता। इमरान खान ने जो नफरत का पौधा लगाया और इस पर इनके सोशल मीडिया ने पेट्रोल छिड़का वो अब आया हो चुका है। पीटीआई कयादत के मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, न्यूट्रल जानवर के बयानिए से सादा लोग अवाम के जहन में नफरत के जज्बात पैदा हुए और इसका इमरान खान ने 9 मई को फायदा उठाया। अपने कारकुनों को वरगला कर उनसे 9 मई का सानेहा बपा करवाया गया। उनके जहनों में इस तरह इश्ताल डाला गया कि वो 9 मई के वाकयात को अपना नज़्बुल ऐन समझने लगे। पीटीआई के अंदरूनी हलके अब भी एक मुजरमाना जहन से 9 मई को कामयाब करार दे रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि ये एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त सानेहा है जिस पर पाकिस्तान के अवाम को रंज है। अलमिया यह है कि 9 मई के वाकयात की इमरान खान और पीटीआई की तमाम क्यादत ने कभी मुकम्मल तौर पर मजम्मत नहीं की बल्कि इन वाकयात को नया रंग देने के लिए कभी इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं और कभी इसकी जिम्मेदारी इन्हीं पर डालते हैं जिनके शहदा की तौहीन की गई थी। हालांकि इमरान खान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 9 मई के वाकयात के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलवाइयों की सियासी वाबस्तगी का पता चल चुका है। इंतशार के अहकाम किसने दिए ये सब कैमरों में नाकाबिले तरदीद सबूत के तौर पर महफूज है। एक सोचे समझे मनसूबे के तहत पीटीआई की क़यादत इस भयानक जुर्म को नया रंग देने की कोशिश कर रही है मगर हुकूमती इदारे और अवाम इस वाक़े को कानून के अंदर रहते हुए मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं।
अम्मार मसूद के बकौल अवाम की अक्सरियत को 9 मई के वाकयात पर जितना रंज है, इसके नतीजे में इदारे और कानून नाफिज करने वाले जीरो टॉलरेंस के उसूल पर 9 मई के मुजरमान को करार वाकई सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई का प्रोपेगेंडा सेल है। 9 मई के सानहे के बाद इस मुल्क के वासियों की सोच में बहुत फर्क पड़ गया है। अब इमरान खान उनका निजात दहिंदा नहीं बल्कि इंतशार फैलाने वाला बनकर सामने आया है। इस सानहे के बाद जो रद्द अमल अवाम की जानिब से आया, इससे वाजे हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम की रेड लाइन पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम अफवाज पाकिस्तान है और शहदा की हुरमत है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।